नेचुरल सीनरी का मजा ले सकते हो। दस कर देंगे रिश्तेदार दोस्त लोग तो के भला अच्छा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो आज है बैंगलोर में हमारा आई थिंक लास्ट डे और हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर पैलेस के लिए। ये आ गया हमारा ऑटो और कभी कभी ऑटो में ट्रैवल करना भी ज़रूरी है ताकि जो है पैसे बचे बुचे घर को ले जाएं, ये नहीं कि यहीं उड़ा के आ गए। पहुंच चुके हैं बैंगलोर पैलेस और काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है यहाँ पे और मेरा जो इंटरव्यू है तो आप संभालिए। और बैंगलोर पैलेस में क्या है कि ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, जैसे आपने देखा होगा मैसूर पैलेस में क्या था कि हमने अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी और फोटोज़ भी अलाउड थी। यहाँ क्या है कि सिर्फ जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया है, इसी में ही आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू देके आई मुझे पता लगा कि फोटोग्राफी सिर्फ पैलेस के बाहर अलाउड है, वो भी मोबाइल फोन से। तो फटाफट से हमने टिकट लिया और एंट्री की। तो हम लोग पूरे बैंगलोर पैलेस का भ्रमण करके आ चुके हैं। तो पूरा जो पैलेस है उसमें वाडियार जो डायनेस्टी है, जो वाडियार के राजा थे जय चमराजेंद्र वाडियार, उनके बारे में बताया गया है किस तरह का उस समय पर आर्किटेक्चर था, कैसे रूम्स थे और रानियां कैसे रहती थी, कैसे उनका चाय वाय पीना, पकौड़े खाना, पान खाना, वो सब बताया गया। क्योंकि वहाँ पे आपको ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस भी है, चाइनीज, स्पेनिश और जो है हिंदी, इंग्लिश। तो वो काफ़ी हेल्पफुल और नया था, उससे मतलब वर्थ था कि आपको हिस्ट्री पता चल रही थी। और उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बताना भूल गई पूजा। और 20 ट्रैक्स है, मतलब 1 से लेकर 20 तक वो होगा। उसके अलावा उसमें बोनस ट्रैक भी, अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, जिसको हिस्ट्री पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि ये विंसर कासल के डिजाइन से प्रेरित है, पर ऐसा नहीं है। विंसर कासल बाद में बना था और ये जो बैंगलोर पैलेस है जो कि मैसूर पैलेस का छोटा रूप क्या है, वो वहाँ कभी वहाँ रहते थे, कभी गर्मी ठंडी में इधर आ जाते थे। तो ऐसा है, तो वो इससे प्रेरित नहीं है। राजा भगीरथ, तुम्हें अपना पैलेस कैसा लगा? हाँ, बढ़िया लगा। अच्छा, हाँ तभी तो हम इतने पैलेसेस में जा रहे हैं क्योंकि हम राजा के साथ जा रहे हैं ना। चलो 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 राजा। आज के दिन जो सबसे अच्छा रहा वो ये रहा कि हम मतलब आ गए यहाँ। एक ये स्टिकर भी लगता है इसमें, द पैलेस बैंगलोर, तो शायद यहाँ नंबर लगता है। तो मुझे को लगा कि अगर आप मैसूर पैलेस जाएंगे तो आपको क्या है ना, वहाँ वीडियोग्राफी आपने देखी होगी पूरी अलाउड है। यहाँ क्या है कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन वो ऑडियो बुक मिलती है जिससे क्या है कि आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं। तो ठीक है, मतलब ये एक्सपीरियंस भी ठीक है, लेकिन क्या है कैमरा इतना महंगा खरीदा था, सोचा था कोई अच्छा बनाएंगे। बैंगलोर पैलेस से जस्ट लगता हुआ एक गार्डन भी है, यहाँ पे आप वॉक वगैरह कर सकते हो आराम से, गार्डन का नेचुरल सीनरी का मजा ले सकते हो। पर हम इतना घूम चुके हैं तो अभी हम जा रहे हैं किसी से मिलने, जिसे मिल रहे हैं बहुत सालों बाद, तो चलते हैं वहाँ पे। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं तो हम वापस अपने कैमरे में आ गए हैं, है ना। यहाँ पर रोक टोक नहीं होगी, मतलब मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिक्कत है कि क्या है कि आप अलाउड नहीं करते, कोई बात नहीं ठीक हो गया। पर लेकिन क्या है कि जब आप अलाउड कर रहे हैं कैमरे को फोटोग्राफी के लिए, तो भाई मेरे कैमरे में क्या दिक्कत है, किसी ने कैमरा का खरीद के ला रहा है वो क्या, मतलब कैमरा लेके चल रहा है तो उसको मतलब खींचने देंगे, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। पूरा ही मना कर दो, हाँ। कोई कुछ नहीं खींचेगा, लेकिन फोन से अलाउड है। चलो आओ एक सेल्फी और खींचते हैं अपने कैमरे से। अब जा रहे हैं हम स्पेशल फ्रेंड्स, एक नहीं दो स्पेशल फ्रेंड्स से मिलने। क्या है कि एक ही शहर में अगर आप 20 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग आपके 350-400 खर्च होने हैं। और हमने अभी उबर ऑटो कर रखा है, क्या हो रहा है कि जो कैब है वो कम से कम 500-500 रुपये, 600-600 रुपये है। थोड़ा सा क्या है कि ऑटो 150-200 रुपये सस्ता हो रहा है, तो क्या है कि हम जहाँ एक जगह जाने के बजाय हम दो जगह चले जा रहे हैं बस। आए हैं पैसे, धनराशि खत्म ही होती जा रही है जब से, कुछ होगा कर्जा होगा बैंगलोर मैसूर का, कोई राजा हो गया आप भी, सही बात, कर्जा लिया होगा इनसे जय चामराजेंद्र से। मतलब मेन क्या था कि जो उनको रेवेन्यू मिलता था वो ये था कि वो वहाँ फूल जो होते थे बाग में वो बेचते थे, मतलब इस तरीके का उसका था। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री, अब वो याद ही कहाँ होगी एक बार में। तो लटकते पटकते 2 घंटा लगभग जाम में पहुँच गए हम लोग। फाइनली
पहुंच गए हैं हम 2 घंटे का सफ़र तय करके अपने खास दोस्तों से मिलने, छूने जा रहे हैं, फिर निकलना भी जल्दी पड़ेगा। यहाँ से तुम्हें नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, ये उनको दिखेगा, ये हमें, हम देख रहे हैं इसमें, देखो बेबी दद्दा। से अंदर चल फिर, तो हमारी सेवा में सबसे पहले चाय आई है क्योंकि पूजा को चाय पसंद है। अभी धराओ, वो देखो दद्दा दद्दा बोल रहे हैं। आते सबसे पहले शुरू हो गई है चाय, जो कि बनाई है मास्टर शेफ विकास शर्मा जी ने, और ये नॉन चाय लवर्स भी चाय पी रहे हैं क्योंकि उनके मतलब होता है ना लड़कों लड़कों का आपस में एक ब्रो कोड चलता है, ब्रो कोड तो पी नहीं सकते, हाँ इसलिए चाय पी रहे। ये देखो भैया ज्यादा अच्छा है आपसे, अभी फ्रेंडशिप हुई नहीं है, हो रही है अभी, अभी हो रही है धीरे धीरे, हो गई है, ऐसे हो गई है लगभग, ये शेयर करने लग जाए तो हो ही गई है। हाँ ये भी ग्रो कोड चल रहा है ये हो ही, तो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी दोस्त बन चुके हैं ये सब, यहाँ बहुत सारा बनाया था ये, हम खा चुके हैं, पिज्जा मंगाते हैं ना। नहीं नहीं, ये है हमारे दोस्त, हमने विकास का नाम बताया लेकिन ईशना का नाम नहीं बताया, ईशना का नाम है ईशना। हमने मतलब बहुत मेहनत करके और इतनी दूर से सिर्फ एक दर्शन करने के लिए हम यहाँ पहुँचे और हमने दर्शन किया, और अब हम निकलते हैं 10 मिनट में। पास में रामेश्वरम है, रामेश्वरम 20 मिनट है, रामेश्वरम कैफे की बात कर रही है। अच्छा कैफे कह रहे हैं, मैं तो मंदिर। तो लास्ट टाइम मैं मिला था अपनी शादी से पहले मिला था इनसे, और अब शादी के बाद आशीर्वाद लिया, जल्द से जल्द शादी हो, और अब हो सकता है कि मैं मिलूं जब दूसरा बच्चा हो जाए तब, और इनका भी हो जाए, क्या पता दूसरा, तुम्हारा और मेरा दोनों का, क्या पता क्या। हम जा रहे हैं घर को, और घर में वेट कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, बना रखा है हमारे लिए आलू मटर टमाटर, घर का खाना ना घर का ही होता है। हम पहुंच चुके हैं और लौट के बुद्धू घर को आए, हर बार की तरह बेंगलोर का घर, नहीं का घर, ये ना इम्पोर्टेंस ये है कि हम मिलना है, ये भी दे दिया देखो, बैग के जरूरत थी, हम बहुत ही कुछ है और भी कुछ है, हम तो ये ले जाए नहीं भैया, हम उनको 10 मिनट छन फटाफट मिल गए ऐ जेनो, अब 10 कर देंगे रिश्तेदार दोस्त लोग तो के भर ला छो, उसी तो दीदे तो भरी भरे लाए भीतर बटे, पर अपन नहीं के ले जाए भाई ना, तब ज्यादा शर्म जाए, ये घर के मालिक बनने की कोशिश हो रही है यहाँ देखो, बजाओ मैं सरप्राइज देता हूँ पीछे, तुम दूसरी चाबी ले जाना ठीक है, तुम्हारा अज्ञातवास खत्म हुआ नहीं हुआ अभी, अभी चल ही रहा है जीजू का है वो छत में, आज हमारी यहाँ यहाँ के घर में आज आखिरी रात है, बहुत अजीब सा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है, यहाँ लोग को तो बहुत खुशी हो रही है कि 2 दिनों पौन 3 दिनों निपटाओ फाइनली, कि हमारे मेहमान निपटने जा रहे हैं, जो मेहमान है उन्होंने ये भी तोड़ ताड़ भी शुरू कर दी है। तो अभी बज रहे हैं 11:10 है, अधराती भिसोण, अपने घर में भी अधराती भिसोण है और दूसरी जगह जाके भी अधराती भिसोण है, कहते सिंपल खाना नसीब हुआ है, बूंदी का रायता पूरी है और रोटी है, और देखो जिसके बारे में इतना कहा जा रहा है ऐसी मेहनत ना करनी पड़े, वो कितनी मेहनत कर रही देखो यहाँ, ये हमें पूरा क्या कहते हैं यहाँ पे आदर सत्कार, ये ब्लॉग में कम से कम बर्तन धोना तो मत दिखा, सुबह से बर्तन ही धो दी, इसको बर्तन धोने की सैलरी मिलती है। तो अब हम करते हैं लंच डिनर, सॉरी एक्चुअली लंच भी वही खाया था आज हमारा लास्ट दिन है बेंगलुरु में, और फाइनली बेंगलुरु वाली ट्रिप एंड होती है, और कल हम निकलेंगे एक नई जगह को, और वो हम बताएंगे आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।